सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की अपनी बाइक की है मतलब फर्स्ट सेकंड सर्विस है। तो आज मतलब सेकंड सर्विस है अपनी, तो मैंने थोड़ी लेट ही कर ली है सर्विस, लेट ही हो गई है मेरे से। अभी ट्रिप एक सेकंड, मुझे कुछ 3500 किलोमीटर पे मतलब सर्विसिंग बोले थी उन्होंने। अभी लगभग फ़िलहाल तो 4000 ही हो चुकी है बाइक, तो कोई नहीं, जल्दी से फटक से जाके सर्विसिंग कर लीजिए। तो मुझे लगा मेरे इधर मतलब ज़्यादा सर्विस सेंटर में इधर घुमा नहीं हूँ कि बाजार का सर्विस सेंटर किधर है, तो एक दोस्त से पता किया तो इधर ही अपने जलगांव में, जलगांव जामोद में। तो मैं जाने वाला था शेगांव, पर शेगांव से मतलब कैंसिल कर दिया और जलगांव जामोद जाने वाला अभी। तो चलो जाते हैं फटक से और करते बाइक की अपनी सर्विसिंग। तो क्या कॉस्ट आता है और क्या क्या चेंज होता है, मतलब कैसे होता है, तो मैं बता दूंगा आपको सब मतलब वीडियो में। वीडियो में जुड़े रहे हमारे साथ, पूरा ब्लॉग देखिए एंड तक, और जितना मतलब आप सपोर्ट कर रहे हो मतलब बहुत अच्छा है मेरे लिए। और ऐसे सपोर्ट करते रहे भाई लोग, मतलब आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहे मेरे अच्छे अच्छे ब्लॉग मतलब आपके लिए आते रहेंगे ऐसे। तो चलो जल्दी से मिलते हैं अभी बाइक पे जाके, वहाँ पे कर लेंगे। तो फिर मेरे को मतलब 3500 किलोमीटर, और अभी मेरा मतलब लगभग 4000 किलोमीटर आराम से हो चुकी है। फिर कुछ काम होने के कारण मतलब दिक्कत आ रही थी, सर्विसिंग भी ज़्यादा नहीं हो रहा था। मतलब ऐसे मतलब आप हमारे वीडियो को सपोर्ट किया था, उसके वजह से थैंक यू मतलब ऐसे मतलब आपको सपोर्ट आगे मतलब। तो एक बार पूछ लेता हूँ क्या होता है सर्विसिंग का। भाई सर्विसिंग करनी थी बाइक की, हो जाएगा? कितनी देर लगेगी? आधा एक घंटा। तो चलो भाई लोग एक बार सर्विसिंग कर लीजिए, आधा एक घंटा लगेगा बोल रहे भाई। तो चलो जल्दी से अपने भाई फटाक से लगाते हैं शोरूम। देखो भाई लोग, मैंने मतलब 3000 किलोमीटर लगभग कुछ चला लिया बाइक, और उसमें देखो कितना डस्ट हो गया है। देखो जो अपना फिल्टर है वो क्लीन करते रहिएगा, ये देखो कितना ख़राब हो गया है। तो फिलहाल तो ये चल जाएगा ना भाई एक बार क्लीन होने के बाद, तो वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं, एक बार तो चल जाएगा क्लीन करके। ये फिल्टर चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहती। एयर फिल्टर करते हैं, लेकिन 2-3 सर्विसिंग होने के बाद में करते हैं, खराब हो गया। तो भाई लोग मतलब फ़िल्टर तो बहुत ख़राब हो चुका है अभी, तो देखेंगे फ़िल्टर का अगर होगा तो अच्छे तरीके से चेंज कर देंगे, नहीं तो फिर वही चेक करके लगा देंगे फिर से। तो भाई लोग बात ऐसी हुई कि मतलब मेरा प्रॉब्लम तो सर्विसिंग का सॉल्व हो गया, पर और एक दिक्कत आई। मेरे सर्विसिंग कर लिए ओके, पर बात कैसी हुई, जो मैंने मतलब फर्स्ट सर्विसिंग मेरी की हुई थी, जो मेरी फर्स्ट सर्विसिंग की थी उसका, उन्होंने मतलब जो ये रहता है बजाज ऑटो की तरफ से कि उन्होंने सर्विसिंग की, वो 3 सर्विसिंग फ्री रहती है, उसके बाद सर्विसिंग मतलब खुद से करवाने पड़ते हैं। तो 3 सर्विसिंग जब फ्री रहती है तो वो कर लेनी चाहिए। पर बात ऐसी हुई जब मैंने वो सर्विसिंग फर्स्ट का ये किया, तब रीज़न ऐसा हुआ कि उन्हें दिक्कत की बात हुई कि उन्होंने वो जॉब कार्ड है ना वो क्लोज ही नहीं किया, जब तक तो उसने जॉब कार्ड क्लोज नहीं करेंगे तब तक मतलब थर्ड मतलब सेकंड और थर्ड मतलब सर्विसिंग मेरे को फ्री नहीं मिलेगी ओवर। और अगर कुछ आपको दिक्कत हुई मतलब सर्विसिंग के रिलेटेड, अगर सर्विसिंग के रिलेटेड अगर बाइक के रिलेटेड कुछ अगर दिक्कत हुई, अगर मतलब बाइक के रिलेटेड अगर कुछ दिक्कत हुई तो वो मतलब मेरे को खुद से कवर करना पड़ेगा, खुद से कवर करना पड़ेगा, क्योंकि वो बोलेंगे कि तुमने सर्विसिंग की ही नहीं।
इसकी वजह से। तो मैंने पहले बजे ऑटो पे कॉल किया और उन पर कंप्लेंट दर्ज की कि मेरा मतलब भारत मोटर पे कि तुम मतलब कैसे हुआ कि मैंने मतलब सर्विसिंग कर ली और उन्होंने जॉब कार्ड क्लोज नहीं किया। अभी तक वो जॉब कार्ड ओपन ही है, मतलब मेरी अभी तक देखा जाए तो मैंने सेकंड सर्विसिंग कर ली और वहाँ पे मेरे मतलब फर्स्ट सर्विसिंग भी रजिस्टर में दिखा रहा है कि हुई है करके, और फिलहाल ये मेरी सेकंड सर्विसिंग है। मेरे पास दोनों की मतलब इसके वीडियो पड़े हुए हैं कि फर्स्ट सर्विसिंग के और सेकंड सर्विसिंग के, दोनों ही सर्विसिंग के वीडियो पड़े हुए हैं। आगे पीछे कुछ देखते हैं लोग कि दोनों की सर्विसिंग के वीडियो पड़े हुए मेरे पास, मतलब और मैंने इसी चैनल पे अपलोड करके रखे फर्स्ट सर्विसिंग का वीडियो और एक छः सेकंड का है वो भी कर ही लूँगा। ऐसी बात है तो एक बार मतलब यार पहले वो जॉब कार्ड क्लोज करते या नहीं करते वो भी एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि चीज़ ऐसी हुई कि उसकी दिक्कत है ना वो मेरे को ही झेलनी पड़ेगी, क्योंकि बाइक में अगर कुछ मतलब मोटा खर्चा हुआ तो मेरे को मतलब खुद के मेरे जेब से खर्च करना पड़ेगा। बात ऐसी मतलब इंजन को अगर कुछ हुआ तो कुछ मतलब 2 साल मतलब जब तक बाइक की अपनी वारंटी है 2 साल तब तक बाइक को अगर कुछ हो जाता है तो वो सारा मतलब खर्चा कंपनी का लेती है। पर बात ऐसी है कि अगर मेरा जॉब कार्ड क्लोज नहीं हुआ मतलब इन कुछ दिनों में तो फिर वो बोलेंगे तुमने सर्विसिंग नहीं की, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, कुछ भी रीज़न देते रहेंगे। तो मेरे को जल्दी से फटाक से वो करना पड़ेगा, और जब तक मैं करूँगा, क्योंकि मैंने तो अभी फ़िलहाल 2 कंप्लेंट रजिस्टर किए बजाज मोटर पे और ईशान बजाज पे, दोनों भी उस पर कंप्लेंट कर दी है। वो बोलेंगे सर तुम्हारा मतलब 6 घंटे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा तभी मैं और एक कंप्लेंट करूँगा, फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, फिर देखूँगा क्या हो रहा है। क्योंकि यार मतलब इसका सब दिक्कत मेरे को ही देनी पड़ेगी। सो भाई लोग अपना चीज़ ऐसी हुई कि मैंने जॉब कार्ड के बारे में आपको बता दिया कि जॉब कार्ड का मेरा वो सीन ऐसा हुआ कि मैं मतलब बाइक की सर्विसिंग तो की पर उन्होंने वो क्लियर नहीं किया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरे को उन्होंने सर्विसिंग तो करके दी और उन्होंने मतलब सब चीज़ किए, पर वो मतलब जो 3 सर्विसिंग फ्री रहती है वो मतलब यूज़ नहीं हुई, तो बोले अगली बार में यूज़ कर लेना, पर वो पहले वो क्लियर कर लेना, क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं हुआ और बाइक को अगर कुछ ज़्यादा मतलब इशू हुआ तो फिर वो आपको दिक्कत देगी, क्योंकि वो बोलेंगे आपने सर्विसिंग की नहीं होगी उसकी वजह से आपका मतलब प्रॉब्लम हुआ बाइक में ऐसा वैसे कुछ भी। तो चलो कोई नहीं कि पूरा सर्विसिंग का मतलब मेरा कॉस्ट आया कुछ 850 रुपये, तो 850 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि वो सर्विसिंग का मैंने यूज़ भी नहीं किया तभी मतलब मेरा 850 रुपये आया। तो कुछ नहीं 850 मतलब उन्होंने कुछ नहीं वो फ़िल्टर चेंज किया और ऑयल टॉपअप किया और वो जो अंदर का मतलब अपना एयर फिल्टर रहता है वो बस क्लीन करके लगा दिया, क्योंकि वो चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं थी इसकी वजह से वो चेंज नहीं किया। तो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने ये किया, पर मतलब बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया कि सब चीज़ें समझाई, क्योंकि जॉब कार्ड का कैसे रहता है, क्योंकि जॉब कार्ड के बारे में अपने कुछ पता नहीं था, क्योंकि फर्स्ट सर्विसिंग हुई थी यार उनको OTP दिया था, सब चीज़ हुई थी, और फिर तब भी मतलब फिर भी वो दिक्कत आ रही है तो सही नहीं है, क्योंकि फिर मैंने मतलब बजाज ऑटो की तरफ से उनको उनके नाम से कंप्लेंट की कि भारत मोटर ने ऐसे ऐसे किया और मेरे को सर्विस में ये दिक्कत हो रही है। तो बोले कुछ नहीं कि 6 घंटे में आपका ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो भाई लोग ये सर्विसिंग का अपना ये रहा वीडियो और पूरी बात मतलब मैंने क्लियर वीडियो में बता दी है, और सर्विसिंग में क्या क्या हुआ था वो भी बताया, और कुछ नहीं मेन बात है मेरी सेकंड सर्विसिंग है और उसमें मेरे को बस 900 रुपये मतलब 850 से 900 रुपये मतलब इतना ही खर्चा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आया। तो बहुत बढ़िया अफोर्डेबल बाइक है यार NS 200, जो बंदे कहते हैं कि नहीं नहीं बाइक बहुत ज़्यादा CC की है वो, तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, बस यार खुद से दिक्कत मतलब खुद से उसको कुछ ज़्यादा दिक्कत ना करो, क्योंकि हाई स्पीड में भगाना, क्योंकि अभी ज़्यादा धूप हो रही है उसकी वजह से, तो ऐसा मत किया करो, क्योंकि इंजन हीट होता है और उसकी वजह से मतलब ज़्यादा करके NS 200 के मामले में है कि बाइक मतलब आग पकड़ ली या इंजन फट गया, ऐसी दिक्कतें होती है। तो खुद अपने चलाने के ऊपर भी थोड़ा एक कंट्रोल रहना चाहिए मतलब हिसाब से ऐसे बोले तो। तो कोई नहीं भाई लोग, दिक्कत की बात तो कुछ नहीं है, बाकी सब तो बहुत बढ़िया है, बस एक बात है कि वो मेरे को जॉब कार्ड का करना पड़ेगा यार जल्दी से जल्दी, अगर नहीं हो पाएगा तो मैं फिर से एक बार कंप्लेंट कर दूंगा उनके नाम की कि मतलब ये मेरे को दिक्कत हो रही है उस वजह से। तो चलो कोई नहीं भाई लोग, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत जल्दी मैं मतलब लॉन्ग राइड का प्लान कर रहा हूँ लद्दाख के लिए, तो देखेंगे हो सके उतनी लॉन्ग राइड जल्दी आएगी। तो चलो भाई लोग, मिलती है ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के जुड़े रहे हम।